बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 16। टुडे आवर टॉपिक्स आर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। अज के टॉपिक असो म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। द फर्स्ट म्यूटेशन क्या है, वर्ड इज म्यूटेशन। म्यूटेशन असो पे फर्स्ट म्यूटेशन पढ़ा, म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन जैसे सेल डिवाइड थी है तो उनमें स्ट्रक्चर में जो सेल के क्रोमोसोम्स या जीन्स के स्ट्रक्चर में जैसे चेंजिंग इंदी है तो उनके अस म्यूटेशन चवंदा आहियूं। यानी कि सडन चेंज इन सिंपल असां लिखी सघूं था भला वैन सेल डिवाइड। ठीक है, जैसे सेल डिवाइड थी है चेंज इन क्रोमोसोम्स और जीन्स आकार म्यूटेशन। दीज चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। दीज चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। जैसे सेल डिवाइड थी है, जब सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम हम पहले पढ़ गए हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबसे पहले अपनी रिप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट बनाते हैं अपने क्रोमोसोम्स, पाँचा डुप्लीकेट्स ठाईंदा कापीस ठाईंदा सेम एक पान जड़ा ही। ठीक है, तो उन वक्त क्रोमोसोम्स में जो सडनली अचानक चेंज अचे थी या उन जीन्स में चेंजिंग अचे थी उनके असं म्यूटेशन चवंदा आहियूं। फॉर एग्जाम्पल ज़ोवा, इन के सिंपल से ये चई सकूँ था सडनली चेंज इन क्रोमोसोम्स और जीन्स। ठीक है, जो अचानक माना चेंजिंग अचे थी म्यूटेशन में क्रोमोसोम्स आया वरी जीन्स में, उन चेंजेस के असं म्यूटेशन चवंदा आहियूं। ठीक है, वो हाँ चेंजिंग कि थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसो जैसे नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स में जी स्ट्रक्चर में या उन नंबर्स में जो चेंजिंग अचे थी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में ऐसो। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाहूँ तो हे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स अंदर जो जीन्स के अरेंजमेंट होंगे जीन्स की उनमें जीन्स हैं ए थी बी सी डी वाई। हाँ इनमें हि जो है नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स। हाँ इन्हें ऐसा चेंज कि फॉर एग्जाम्पल जो ए सी डी ई। ठीक है, अड़ी बटे किस्म की चेंजिंग में उ अगते बिन क्लास वन क्लास में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल वरी इन किस्म की चेंज थी है, इनके डिफरेंट नेम्स हैं ए या डबल डी थे या डबल सी थे। ठीक है,
हाँ से उनमें चेंज अची वो ये जो चेंज है इन चेंज के म्यूटेशंस चवंता इन में डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन जो वी ऑफ स्प्रिंग में वो डिफरेंट वेज में शो थी है उनमें कुछ बेबीज एबनॉर्मल्स ठीक है या उनमें किन में वो हेमीफिलिया थी है यानी कि ब्लड क्लॉट न कह है ब्लड जो है वो जमंद ना है वो जैसे जख्म है तो ब्लड वह ही रहो है वो माना तो असम जख्म तो अचे पो अगर जख्म आ जाता है किसी जगह से हल्का सा जख्म हो जाता है उसमें ब्लड फ्लो होता है कुछ सेकंडों के बाद या मिनट के बाद वो रुक जाता है ब्लड ऑटोमेटिकली ठीक है अगर हल्का सा जख्म होता है तो वो क्या होता है वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है ब्लड वहाँ पे जमना शुरू करता है रत जो है उतना जमन शुरू है तो कुछ म्यूटेशन के कुछ अड़ी बीमारी जो हेमीफिलिया है वह उनमें ब्लड उन जमंद हों वो रत वह ही रो पो ठीक है बोलते ऐसो ये चेंजिंग है स्ट्रक्चर में चेंज अचे थी पी फर्स्ट अड़ी तरह से स्ट्रक्चर में चेंज इंदी है बो वरी फॉर एग्जाम्पल जैसे चूं तो नंबर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिसूँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 46 आ नॉर्मल जो असो है इन में जैसे घट थी वे 45 थी वे या 47 थी वे ठीक है तो ये जो है नंबर्स की चेंजिंग नंबर्स में जो माना क्रोमोसोम्स नंबर जी है उनमें जो चेंजिंग अचे उनके अस नंबर्स में म्यूटेशंस चाहिए ठीक है वो तो हाँ इनका उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट माना इन जो करेक्टरिस्टिक्स वो जाहिर थी फॉर एग्जाम्पल जैसे चाहूँ एबन में नंबर जमें एबनॉर्मल बार तो ठीक है वो हाँ अच्छा डिजीज थे तो डिजीज कड़ी फॉर एग्जाम्पल डिजीज में डॉन्स सिंड्रोम थी हेमोफिलिया थी ठीक है वो थन करता डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेंजिंग या नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स या वरी जो स्ट्रक्चर में चेंज थी या नंबर्स में चेंज चेंजिंग जी जीन्स की या क्रोमोसोम्स में उनके डाउन सिंड्रोम यानी कि एबनॉर्मल थे बार ठीक है यानी कि कहीं एबनॉर्मल डिफरेंट वे से ठीक है जैसे कहीं बॉडी के हिसाब से कहीं जहन के हिसाब से कदें जो बे कें यानी कि हिसाब से हेमोफिलिया यानी कि ब्लड जो वो क्लॉटिंग जो ब्लड जो जमंद ना फ्लो रहा जख्म हल्को भी वो वह रहा है हाँ जैसे म्यूटेशन वो नेचुरली थी है म्यूटेशन अकर नेचुरली नेचुरली भी म्यूटेशन थी है वो जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स के करे ठीक है आइन जो मेन काजेस उनमें डिफरेंट रेस फॉर एग्जांपल एक्सरेस रेडिएशंस रेडिएशंस या डिफरेंट अदर केमिकल्स डिफरेंट एक्सरेज करें रेडिएशन करें गामा रेज या अल्ट्रा रेज कुछ केमिकल्स भी थी म्यूटेशन
हाँ ॾिसो उहा रिपीट था कयां कि वी आर म्यूटेशन खे त म्यूटेशन छा आहे म्यूटेशन जेका आहे उहा थींदी आहे सडनली चेंज इन अवर बॉडी आर इन अवर क्रोमोसोम्स आर जीन्स आर कॉल्ड म्यूटेशन ठीकु आहे भाउ ऐं कॾहिं थींदी आहे वेन अ सेल डिवाइड जॾहिं सेल डिवाइड थींदो आहे ठीकु आहे द नंबर ऑफ क्रोमो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर आर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर जीन्स इन में जॾहिं सेल डिवाइड थींदो आहे उन में जेके क्रोमोसोम्स या जीन्स आहिनि उन जे नंबर्स में या स्ट्रक्चर में या उन जे नंबर्स में जेका चेंज ईंदी आहे उहा उनखे तव्हां म्यूटेशन चवंदा आहियूं इहे जेके चेंजिस आहिनि उनखे तव्हां म्यूटेशन चवंदा आहियूं ठीकु आहे भाउ हाणे उन में फॉर एग्ज़ाम्पल टू डिज़ीज़ जेके आहिनि मेन जेके आहिनि डाउन सिंड्रोम ऐं हेमोफीलिया एबनॉर्मल थियणु ऑफस्प्रिंग जो यानी कि ॿार जो या हेमोफीलिया या अहिड़ी क़िस्म जी बीमारी जंहिंमें रत ॼमंदो न आहे ठीकु आहे ब्लड क्लॉटिंग कंदो आहे उनखां पोइ म्यूटेशन जेका उहा नेचुरली म्यूटेशन जेका आहे उहा नेचुरली बि थींदी आहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जे करे ठीकु आहे फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं था चऊं त को सडनली को अचानक को वाक़ियो थो अचे का अहिड़ी ॻाल्हि हरास वारी ॻाल्हि थी ॿुधे उनजो इफ़ेक्ट पवंदो आहे माइंड ते या वरी जेके पंहिंजो पंहिंजा असांजे सेल्स जे अंदरि जेका जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हूंदी आहे उन ते असरु पवंदो आहे को अचानक ख़ौफ़ वारी ॻाल्हि ॿुधीसीं धमाको का सदमे जी सदमे वारी ॻाल्हि ॿुधीसीं उन सां बि जेका पंहिंजी म्यूटेशन थींदी आहे ऐं उनमें मेन जेके काज़िस आहिनि जेके म्यूटेशन जा उहे एक्सरेज जेके एक्सरे जा जेके रेज़ हूंदा आहिनि रेडिएशन्स हूंदा आहिनि या ॿिया जेके केमिकल्स इन्हनि जे करे बि म्यूटेशन जेका आहे उहा थींदी आहे ठीकु आहे उहा हाणे असां नेक्स्ट टॉपिक जेका असांजी आहे एवोल्यूशन एवोल्यूशन हाणे ॾिसो म्यूटेशन जेका हुई उहा सडन चेंज हुई ऐं हीअ जेका आहे एवोल्यूशन जेका आहे उहा आहे ग्रेजुअली चेंज ग्रेजुअली चेंज इन ऑर्गेनिज़म्स जानवरनि में जेका ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ते आहिस्ते जेका चेंजिंग ईंदी आहे उनखे असां एवोल्यूशन चवंदा आहियूं ठीकु आहे सिंपल असां हिनखे ईअं चई सघूं था त एवोल्यूशन मीन्स चेंज एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सिंपल बिगनिंग एवोल्यूशन मीन्स change and improvements from simple beginnings yani ke jandaran mein सिंपल बिगनिंग्स जेके उहो शुरूआत खां जेको उहो सिंपल साधो आहे उनमें जेका आहिस्ते आहिस्ते जेका उनमें चेंज अचे थी पई या उनमें जेका इम्प्रूवमेंट जेका सुधारो अचे थो पियो उनखे असां एवोल्यूशन चवंदा आहियूं ठीकु आहे उहो एग्ज़ाम्पल जेका पंहिंजे एनिमल्स जा या प्लांट्स जेके आहिनि हज़ारे साल पहिरियां फॉर एग्ज़ाम्पल असांजी चऊंस खणी तव्हां 3500 मिलियन ईयर्स अॻो 3500 मिलियन साल पहले जो जानदार थे वो आज से डिफरेंट थे ठीक है वो क्या थे बेटा आज से जो आज के जो एनिमल्स हैं उनसे डिफरेंट थे उनमें से कुछ जो थे वो एक्सटेंट खड़े हो गए यानी कि वो ख़त्म भी हो गए कुछ जो हैं वो सर्वाइव करते हैं अब वो सर्वाइव कौन से करते हैं सर्वाइवल कड़ा है जेके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हूँ यानी कि जो माहौल से मुताबिक करने वाला हूँ हाँ ऐसा डायनासोर और कुछ बया अड़ा एनिमल्स जो आज वे खत्म थी चुका है जेके शुरू में जेके हूंदा ऐं कुझु छो जो उहे पंहिंजे पाण खे एनवायरमेंट सां गॾु सर्वाइव न करे सघिया ऐं अहिड़ा कुझु जानदार जेके उते सर्वाइव कंदा हुया उन्हनि में वरी चेंज इम्प्रूवमेंट ईंदी वई चेंज थींदा हुया फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं कंहिं कुझु साइंटिस्ट जेको आहे पंहिंजो लीनियस जेको आहे चयो कंहिं साइंटिस्ट चयो त यानी कि जुराफ़ी जेके आहिनि जंहिंजी नेक डिघी हूंदी आहे उन चयो त जेको पंहिंजो
इन जेका नेक आहे उहे पहिरां शुरूआत में नंढा हूंदा हुआ हाइट जा, ठीकु आहे, उहे ज़मीन जो गाहु खाईंदा हुआ, जो ज़मीन पे जो घास था वो खाते थे, लेकिन वो जैसे ख़त्म हो गया तो वो ऊपर जब अपने अब प्लांट्स के घास को खाते थे, यानी कि बिछल प्लांट्स के मथे प्लांट्स के खाने पर जो इची मथे करे माना मुँह मथे कर खाइंदा तो आस्ते आस्ते उनकी जगह नेक हुआ वधंदी हुई, ठीक है, और उनकी हाइट माना वधंदी हुई। पर यह थी जो वह डार्विन वह कमयाब न कई, डार्विन जी थ्योरी वह चाहिए तो माना नेचुरली सिलेक्टेड जो होंगी है वह एवोल्यूशन होंगी है, एवोल्यूशन जो है वह नेचुरली सिलेक्शन होंगी है ऑर्गेनिजम्स की जो कुदरती माना उनमें जो माहौल से मुताबित कर सके तो यानी कि डार्विन के हिसाब से तो कुछ नंढा हुआ जिराफी नंढा भी हुआ कुछ वा भी हाँ उन सर्वाइव किया उन माहौल से मुताबित कर सकन पाया जे नंढे कदर सर्वाइव न कर सकता उत के खाने पीने की वह शे सहूलत न पी मुया थे या वह खत्म थी वही उत सर्वाइव न कर सकता उ खत्म थी जे हाइट जिनकी वही उ पान के सर्वाइव कर उन एवोल्यूशन वहाँ रही यानी कि वह पान के सर्वाइव कह ठीक है। वह अड़ी तरह से एवोल्यूशन जो है वो अड़ो प्रोसेस है जैमें जानदार में आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग वक्त के हिसाब से थी है। हाँ डार्विन जो मेन जो उन्हें सजेशन दिन डार्विन्स वह कड़ी दिन फर्स्ट डार्विन सजेशंस या डार्विन सजेस्टेड दैट देयर इज अ वेरिएशन वेरिएशन within a population of living things ek jandar ne ki population mein variations hain yani ki farak hain mukhtalif differences hain for example jaisa aap pe example variation padhi aayi the jekne sa humans jekne ek species hain theek hai ek population hain adam mein पर उन में चेंजेस किया कंजी हाइट कंजी फेस कंजी शेप स्किन कलर एयर कलर आई कलर डिफरेंट ये डिफरेंसेस हैं ये वेरिएशंस है ठीक है। वो या एयर लोब्स हैं आई कलर आ हेयर कलर आ हाइट आ ये जो वो डिफरेंसेस हैं। उन्हें का पो सेकंड नंबर उन्हें जो दस तो वो उही जानदार एक ही पॉपुलेशन में उही सर्वाइव कर सकता जिन जिनकी स्ट्रगल है जैसे माहौल से मुताबिक कंदा जुदोजहद कंदा कोशिश कंदा ठीक है। वो आई जेके नथा कर सकन जेके माहौल से मुताबिक नथा कर सकन पान हाराए था बिहन तो उही जो के पांजो सर्वाइव नथा कर सकन अगते आने के अलावा उन डार्विन जो यूज किया तो जेके उही जानदार माहौल में उही एडाप्ट कर सकंदा जेके वाद कर सकंदा आई ग्रो कर सकंदा सिंपल माने लिखांस तो
ग्रो और रिप्रोड्यूस जी रिप्रोड्यूस कर सकन था जी एडाप्टेशन कर सकन था एनवायरमेंट सा पांजे सराउंडिंग चौधारी उन्हें सा मुताबिक कर सकन था उते वाद विच कन था पांजो नस्ल वधाइन था ठीक है इन्हन के जको पांजो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चबो है कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जेके पांजो पान के वधाइन था इन माहौल से मुताबिक कन था उते एडाप्ट कन था उन सा पांजो पान के भेटाइन था उते रहण सलाहियत में अचे थी सलाहियत रखा पान में उते ग्रो कन था रिप्रोड्यूस कन था नस्ल वधाइन था उही जानदार जेके आइन उही वधी सकन था तो इन मां डायरम जेको है वो कैलकुलेशन कई तो यानी कि जेको मखसूस किस्म के जानदार जेके आइन जेके खास किस्म के जानदार उहे नेचुरली सिलेक्ट थींदा आइन जेके खास किस्म जान जो खास किस्म के जानदार होते हैं वो नेचुरली जो होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं यानी कि वो अपने माहौल उस माहौल के अंदर वो रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रो करते हैं और अडॉप्ट करते हैं यानी कि अपने आप को वहाँ पे रहने के काबिल बनाते हैं उसके उसके साथ जो भी उधर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ वहाँ पर ही वो ग्रो भी करते हैं रिप्रोड्यूस भी करते हैं तो उन्हें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं ठीक है बेटा अब हम आते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स evidence of evolution from fossils jab jandar यानी कि fossils से evolution की जो है वो हमें साबिती कैसे मिलती सबूत कैसे मिलता है evidence कैसे मिलता है असांखे हिन मां जेके जेके हज़ारे साल पहिरियां जानवर हुया जानदार हुया उनमें प्लांट्स बची विया एनिमल्स बची विया ठीकु आहे उहा उहे रहंदा हुया उन्हनि जी असांखे ख़बर कीअं पए त उते माना पहिरियां भई हज़ारे साल पहिरियां जानदार आहिनि रहंदा हुया उहे एनिमल्स या प्लांट्स हुजनि ठीकु आहे त उन जी जेके फॉसिल्स आहिनि फॉसिल्स मीन्स जेके उन्हनि जो मरी उन्हनि जे मरी वञण खां पोइ उन जो जेको गरियल सरियल मादो उन मिटी में दफ़न थींदो आहे उहो कीअं थींदो आहे हज़ार साल पहिरियां जेके जानवर ऐं एनिमल प्लांट ऐं एनिमल्स जेके आहिनि उहे जॾहिं मरी विया त उहे उन जेके बॉडी हुई उहा डिके थी वई ख़राबु थी वई ऐं उहा मिटी में उन जे मथां तह ईंदा विया मिटी जा ऐं उहा जेके पंहिंजो हिकु फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि पिंड पाइण में चेंज थींदी वई उन मां जॾहिं उन जी खुटाई थी त उन्हनि खे साइंटिस्ट खे इन जेके फॉसिल्स मिलिया उन्हनि मां उन उन स्ट्रक्चर ऐं अंदाज़ो ठाहियो हाइपोथेसिस खे उन जेके पंहिंजो ॾिसियो त हिते कहिड़े क़िस्म जा जानदार या कहिड़े क़िस्म जा प्लांट जेके आहे उहे रहंदा हुया ठीकु आहे उहा ऐं इहे फॉसिल्स जेके आहिनि असांखे ॿुधाइनि था इहो रिकॉर्ड ॿुधाइनि था माना हिते ऐं जेके अॼु जानदार आहिनि उन्हनि जे माना एंसेस्टर यानी कि पीढ़ियूं नसल दर नसल यानी कि अबा ॾाॾाणा जेके आहे उहे जानदार जेके आहिनि उहे अॼु खां हज़ारे साल पहिरियां जेके पंहिंजा मौजूदु हुया उहे एवोल्यूशन जेका उहा छा एविडेंस ॾियनि था सबूत ॾियनि था त यानी कि पहिरियां बि एनिमल्स जेके उहे रहंदा हुया उहे उन्हनि मां जेके पंहिंजे पाण खे सर्वाइव करे सघिया उहे ई जेके पंहिंजो एवोल्यूट करे सघिया पंहिंजे पाण खे पाण में इम्प्रूवमेंट आंदनि उहे ज़िंदा रहिया ऐं जेके न करे सघिया उहे ख़तमु थी विया ठीकु आहे उहा त असांजी टॉपिक अॼु जेको आहे यूनिट नंबर 3 कंप्लीट थियो इनशाला नेक्स्ट टॉपिक में एक्टिविटी कंदासीं ऐं उनखां पोइ लेक्चर जी रिव्यू कंदासीं तेसिताईं अलाह हाफ़िज़ थैंक्यू